देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। पूरे देश में इस समय जश्न का माहौल है और हर कोई तिरंगा हाथ में लिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है और तिरंगे को देखते हुए अपने आप को मतलब ऐसा महसूस कर रहा है कि जैसे उस देश का सच्चा सिपाही हो। हर जगह जो है तिरंगा यात्रा निकल रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जहाँ बीजेपी के नेता, बीजेपी पार्टी जहाँ तिरंगा यात्रा निकाले, वहीं आज कांग्रेस भी जो है पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल कर लोगों को ये संदेश दे रही है कि तिरंगा जो था, तिरंगा जो है सबका मान है, सबका सम्मान है, इसलिए हर कोई जो है तिरंगे के साथ है। और इसी को लेकर आज कांग्रेस के जो नेता हैं बुल्ले शाह, उनकी अगुवाई में तिरंगा यात्रा जो है निकाली जा रही है। संजय चौक से आप ये लाइव और सीधी तस्वीरें जो हैं देख रहे हैं। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहें और तिरंगे को आप भी सलाम जरूर करें, क्योंकि इस तिरंगे को लेने के लिए हमारे वीर जवानों ने, हमारे बुजुर्गों ने कितना खून बहाया है कि आप लोगों को पता होगा। वीडियो साथ के साथ शेयर जरूर करते रहे। पानीपत के संजय चौक से आप लाइव और सीधी तस्वीरें जो हैं देख रहे हैं। वीडियो साथ के साथ शेयर जरूर करते रहे। पानीपत के संजय चौक से आप लाइव और सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। और आपको बता दें कि पूरा देश इस समय आज़ादी की वर्षगांठ जो है मना रहा है। 75 साल हो चुके हैं, 75वीं वर्षगांठ जो है मना रहा है और हर कोई तिरंगे के सम्मान में खड़ा है। वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहें। तो ये मोटरसाइकिल पर ये शिव चौक से ये यात्रा जो है शुरू हुई है तिरंगे के सम्मान के लिए और मॉडल टाउन तक ये यात्रा जो है जाएगी। वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहे। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, सब आप लोग आज देखेंगे। आज सारा देश जो है तिरंगा यात्रा निकाल रहा है। वीडियो साथ के साथ शेयर करें। पूर्व मेयर सुरेश वर्मा और कांग्रेसी जो नेता हैं वो आप लाइव टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीडियो साथ के साथ शेयर जो करते रहे। विपुल शाह जो बुल्ले शाह के पुत्र हैं उनकी अगुवाई में ये शिव चौक से शुरू हुआ थी हुई है यात्रा और आगे जो अगुवाई करेंगे वो बुल्ले शाह करेंगे। वीडियो साथ के साथ शेयर जरूर करते रहे। ये आज़ादी की गौरव यात्रा जो है निकाली जा रही है तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये विपुल शाह हैं। आज पूरा देश अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है तिरंगे को हाथ में लेकर। क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी देशवासियों को इस अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। पूरा देश, पूरा प्रदेश, पानीपत शहर आज एक तिरंगे के नीचे एकमय हुआ हुआ है। ये संदेश जाता है कि पानीपत शहर तिरंगे के नीचे एकमय, ये छत्तीस बिरादरी का तिरंगा है, किसी एक का नहीं। हिंदू मुसलमान जो कहते थे बार बार हिंदू मुसलमान वाली बात कर रहे हैं। साथ मेरा भाई बैठा है, इससे पूछो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ दोबारा, इसको राजनीतिक तौर पे ना देखा जाए। ये भारत की रैली है, एक किसी और की नहीं। ये हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, सिख हिंदू मुस्लिम ईसाई हम सब में भाई भाई है। और ये तिरंगा यात्रा आप देख सकते हो, शहरवासियों का जज्बा आप देख सकते हो। खासतौर पर युवाओं में इस चीज़ का जोश भरा हुआ है और काफ़ी संख्या में जो है युवा, बुजुर्ग आप आज सड़कों पर दिखेंगे और खासतौर पर मोहम्मदन समाज जो है वो भी आज काफ़ी संख्या में पहुंचा हुआ है। वीडियो साथ के साथ शेयर जरूर करते रहें। ये मुस्लिम समाज के जुड़े हुए लोग हैं। ये तिरंगा यात्रा जो है आप संजय चौक से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। आज बीजेपी, आप पार्टी, कांग्रेस, तमाम जितनी भी पार्टियां हैं वो आज तिरंगा यात्रा निकाल रही हैं और यही संदेश दे रही हैं कि तिरंगा किसी एक पार्टी का नहीं, तिरंगा समस्त लोगों का है, पूरे संसार का ये तिरंगा है। वीडियो साथ के साथ शेयर जरूर करते रहें। तो पानीपत के फ्लाईओवर पर ये आज़ादी गौरव यात्रा पहुंची है। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे आप देख रहे हैं और हर
किसी के हाथ में देश का तिरंगा है। तो मॉडल टाउन में अब ये तिरंगा यात्रा जो है पहुंच चुकी है और बुल्ले शाह समापन समारोह में यहाँ पर मौजूद हैं और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर तिरंगे की आन बान और शान के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और ख़ास तौर पर आज एक चीज़ और देखने को मिली कि सबसे ज़्यादा उत्साह जो है मोहम्मदन समाज में देखने को मिला। मुस्लिम समुदाय से जुड़े जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर खासे नज़र आए और उनमें उत्साह था इस बात का, देश की 75वीं वर्षगांठ मनाने का उत्साह, तिरंगे को हाथ में लेने का उत्साह ये था। और बुल्ले शाह देख सकते हैं आप, बुल्ले शाह जो है रहेंगे साथ में और इनका हौसला बढ़ाने के लिए अब जो है आगे आए हैं। वीडियो साथ के साथ शेयर जरूर करते रहें। कल मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं समालखा में और झंडा फहराएंगे और इसी को लेकर खास तैयारी जो है जिला प्रशासन ने भी की है। वीडियो साथ के साथ भारत माता की शेयर जरूर करते रहें। क्या कहेंगे जी, देश तिरंगा यात्रा निकाला और आपकी भी अच्छी तिरंगा यात्रा जो आज लोग ज़्यादा जुड़े, खास तौर पर मैं देख रहा था मोहम्मदन समाज के लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं। सारे 36 बरादरी के लोग हैं, कोई ऐसी कौम है जो आपको नज़र नहीं आई। 36 बरादरी के लोग आज अपनी आज़ादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं। 75वां साल मनाया जा रहा है बड़ी खुशियों के साथ पूरे देश में और पूरा पानीपत आज पूरे रंग में है अपने। मैं सबको बधाई भी देता हूं और धन्यवाद भी करता हूं अपने साथियों का जो इतनी भारी संख्या में इकट्ठे होकर आज आए हैं। और इनका मेरे ऊपर ये प्यार है, इनका एहसान है कि एक बारी की पलावे पे सारा पूरा आपका पूरा समाज आता है, 36 बरादरी के लोग आते हैं। और इनसे भी कहता हूँ कि भाई ये जो आपका प्यार, ये जो मान सम्मान आप देते हो, तुम्हारी बुल्ले शाह के खाते में जमा है, ब्याज समेत दूंगा आपकी समय आने पे। क्या इसमें साथ में ये भी अपील कर रहे हैं कि आने वाले इलेक्शन है उसमें भी जो है बुल्ले शाह का ध्यान रखें। नहीं, आज तो ये मैं राजनीति की अपील तो कर नहीं सकता, मैं ना करनी चाहिए। आज तो आज़ादी की बात, देशभक्ति की बात, सबसे कहूँगा कि मिल के इस देश के उन्नति के लिए ईमानदारी से काम करें, हर जनता का, हर दुखी का उसका सहयोग करें। आज तो सिर्फ इतनी बात, आज देश के हालातों के ऊपर भी कोई दो शब्द करें आज को ना, आज 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 नहीं, आज नहीं, आज किसी को कुछ नहीं कहना, आज तो सिर्फ खुशी मनाओ और आओ मिलकर मिठाई बांटे, मिठाई खाएं। धन्यवाद। बिल्कुल अच्छी बात है, राजनीति बात नहीं आ रही है, लेकिन इशारों में ये जरूर बात कही है कि उनका कर्ज जो है, लोगों का कर्ज वो जरूर वापस लौटाएंगे। राजनीति बात में थोड़ी सी वो बात कहने से गुरेज करके, लेकिन इशारों में बात वो जरूर है वो अपनी कह गए। तो इस साइड देख सकते हैं काफ़ी संख्या में आज बुल्ले शाह के पास जो पहुंचे हैं लोग, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं और तिरंगे को हाथ में लेकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। भारत माता की जय, ये टोपी किसने डाली है, किसने डाली है? तो ये छोटे छोटे बच्चे भी आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं आए हुए हैं इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए। और इस साइड देखिए लोग नाच गाकर जश्न मना रहे हैं, आज़ादी का अमृतोत्सव मना रहे हैं, आज़ादी की वर्षगांठ मना रहे हैं। वीडियो साथ के साथ शेयर जरूर करते रहें। भारत माता की जय के नारे, भारत माँ के नारे, इस नारों के साथ
हाथ में तिरंगा लिए ये लोग अपनी बात रख रहे हैं। वीडियो साथ के साथ शेयर जरूर करते रहे। पानीपत के मॉडल टाउन से आप ये लाइव और सीधी तस्वीरें जो हैं देख रहे थे। वीडियो साथ के साथ शेयर जरूर करें। और ये विपुल शाह हैं, आजकल जो बुल्ले शाह की जो अगली राजनीति है ये संभाले हुए हैं। कैसा राज है आपका ये आज का तिरंगा यात्रा? कुलवंत भाई, आज जो तिरंगा यात्रा निकली है, भगवान से डर के कह रहा हूँ, मेरे हिसाब से ये हरियाणा प्रदेश में एक बहुत सबसे बड़ी शायद तिरंगा यात्रा निकली है। ये जो इसका नेतृत्व और अध्यक्षता जो बुल्ले शाह जी के एक आह्वान पे पूरा पानीपत शहर एक मई हुआ है तिरंगा के नीचे, इसका कोई मोल नहीं, इसका कोई तोल नहीं। मैं आपके माध्यम से पानीपत शहर के हमारे उस आखिरी इंसान को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप मीडिया वालों का बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन लोगों ने हमारे को इतना सहयोग, इतना सपोर्ट बहुत दिया, और ख़ास कर पे पानीपत प्रशासन का, जिन्होंने हमारी तिरंगा यात्रा सफल बनाई, हमारे को पूरा योगदान दिया, सपोर्ट दिया, ज़्यादातर ट्रैफिक ना लगने दिया। ये हज़ारों की तादाद में जो लोग आज एकत्रित हुए हैं, ये एक आह्वान करता है, ये एक इशारा देता है, ये संकेत देता है कि तिरंगा सबके लिए एक है। ये छत्तीस बिरादरी का तिरंगा है, ये हमारी आन है, ये हमारी शान है, ये हमारा स्वाभिमान है, ये हमारा अभिमान है। उम्मीद थी कि इतनी पब्लिक पहुँचेगी? ये उम्मीद से बहुत ज़्यादा है। मेरे हिसाब से अगर आप कैमरा घुमा के देखो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पानीपत के हर गली से लोग आए, और ये सिर्फ एक इशारे पे हुआ है। ये बहुत बढ़िया संकेत देता है, आने वाला समय हमारे देश के लिए बहुत अच्छा होगा। राजनीति की बात नहीं तो करनी चाहिए आज, क्योंकि तो आज़ादी का अमृत उत्सव है जी। ये अगर जो वोट में कन्वर्ट हो जाती है तो लगता है बुल्ले शाह जी बाजी मार जाएंगे इस बार? कलमन भाजी, आपने पहले कहा राजनीतिक बात नहीं करनी चाहिए, मगर ये जो आज माहौल है ये तो एक तरफा इशारा देता है, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए, विपुल शाह हमारे साथ थे, और अच्छी बात है कि पूरा देश इस समय जो है जश्न मना रहा है, और हर गली, हर वार्ड, हर शहर, हर कोने में आपको देखेगा तो सिर्फ तिरंगा हाथ में लेकर लोग आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ये महसूस करवाया जा रहा है कि वो भी एक हिंदुस्तानी है। कुछ मुस्लिम समाज के लोगों से भी बातचीत हुई, उनका भी आज प्रदर्शन देखा, आज तिरंगे को लेकर, आज वो कैसे तिरंगे को हाथ में लेकर वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और जाहिर कर रहे हैं कि वो हिंदुस्तानी है और उस हिंदुस्तान में रह रहे हैं जहां आज़ादी की सांस ली जा रही है। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।